कुलभूषण जाधव पर कल भारत की विजय का दिन, दोपहर 3:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट सुनाएगा फैसला। 3 दिन पहले हेग में पूरी हो चुकी है सुनवाई, भारत और पाकिस्तान ने रखी है अपनी अपनी दलीलें। भारत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक की रखी है मांग, जासूसी के आरोप लगाकर सजाए मौत पर अड़ा है पाकिस्तान। मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से हुई योग गुरु बाबा रामदेव की मुलाकात, राज के घर कृष्ण कुंज पहुंचे रामदेव। सुबह 8 बजे राज ठाकरे के घर पहुंचे रामदेव, मुलाकात का मुद्दा नहीं मालूम लेकिन कहा निजी मुलाकात। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर समेत कई मंत्री विधायक मुंबई लौटे, स्टडी टूर पर गए थे ऑस्ट्रेलिया। तुअर दाल के संकट के वक्त कृषि मंत्री के दौरे पर उठे थे सवाल। विपक्ष ने फडणवीस के मंत्रियों पर साधा निशाना, कहा टैक्सदाताओं के खर्च पर स्टडी टूर के नाम पर मंत्रियों ने की ऐश, सहयोगी शिवसेना ने भी घेरा। घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की शाम लगी आग, कुछ वक्त के लिए मची अफरा तफरी। लोकल के लगेज बोगी में लगी थी आग, किसी यात्री के पास था केरोसिन तेल, रेलवे कर रहा है जांच। मुंबई में स्वाइन फ्लू से इस साल मरने वालों की संख्या हुई 2, कस्तूरबा अस्पताल में महिला की मौत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 10वीं में पढ़ने वाले लड़के को दोस्त ने मारा, नकल में पकड़े जाने के खबर छुपाने के लिए कत्ल। अकोला जिले में रूई के गोदाम में लगी भीषण आग, करीब 6 करोड़ का हुआ नुकसान। अकोला में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसी बेकाबू जीप, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मुंबई में मदर इंडिया के नाम से मशहूर हुई 2 महिला पुलिसकर्मी, रेलवे स्टेशन से 600 बच्चों का कर चुकी है रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण गर्मी का कहर, पारा 46 डिग्री के पार। पेटीएम बनेगा पेटीएम बैंक, आरबीआई की मंजूरी के बाद 23 मई से शुरू होगा कामकाज। ईपीएफओ ने घटाई क्लेम सेटलमेंट की म्याद, अब 10 दिन में मिलेगा पीएफ का पैसा। नोटबंदी के करदाताओं की लिस्ट में 91 लाख नए लोग शामिल, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी जानकारी। फॉर्ब्स की गेम चेंजर लिस्ट में मुकेश अंबानी सबसे आगे, 5 महीने में जोड़े $700 करोड़। इक्विटी निवेश से एलआईसी ने कमाया 19,000 करोड़ का मुनाफा, दर्ज किया 72% का उछाल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने बढ़ाई भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता, कहा इस साल घट सकती है भारत की विकास दर। ₹160 तोले की बढ़त के साथ ₹28,760 प्रति तोला हुआ सोने का दाम, चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी। 76 अंकों की बढ़त के साथ 30,658 पर पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी 13 पॉइंट्स बढ़कर 9,525 पर बंद। मुंबई में आलिया भट्ट ने लॉन्च की अमीश त्रिपाठी की किताब, नाम है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। तमिल में आएगा बिग बॉस, दिखाई देंगे कमल हसन।